छुआएगा कौन ये तो फैसला करेगी यूपी की जनता। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। जी न्यूज पर नारों से वार है, गानों से प्रचार है। उत्तर प्रदेश में आज सियासी शनिवार, गोंडा से लेकर जौनपुर, हरदोई से लेकर महोबा तक शनिवार को वार पलटवार पूरे जोर शोर से चला है। गोंडा और जौनपुर में योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। गोंडा में योगी आदित्यनाथ ने 450 करोड़ रुपए की लागत से करीब 65 एकड़ में बने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव हरदोई में रहे महाराज सलीह सिंह अर्कवंशी जी की 15वीं मूर्ति स्थापना दिवस पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई में जनसभा की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महोबा में महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर प्रहार किया, तो साथ ही किसानों की कर्ज माफी का सुनहरा सपना भी उन्हें दिखा दिया। लेकिन सबसे पहले खबर गोंडा की, जहां सियासी लड़ाई जिन्ना से भी आगे बढ़ गई और दंगे के आरोपों तक चली गई। जिन्ना जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है। दंगा प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती। कोरोना, आपके पर्व और त्योहार के सामने तो अब कोरोना भी मार खा गया। आतंकवाद, ऐसी सरकारों ने इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता। और गिरगिट, इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। यही हकीकत है, यही फसाना है। यूपी के सियासी रण में आरोपों का तराना है। और जिन्ना पर लड़ाई तो कब की दंगों तक पहुंचाई, लेकिन शब्दों से जो सपने नहीं देखे जा सकते वो तस्वीरें दिखाती हैं। तो गोंडा में सबसे बड़ा सच है ये तस्वीर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्लांट 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। प्लांट 65.61 एकड़ में बनेगा और इसकी क्षमता हर दिन 350 KLD एथेनॉल उत्पादन की होगी। यानी 2022 की लड़ाई में योगी की नजर लखनऊ पर सही, लेकिन दांव पूर्वांचल पर ही है। बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और बाराबंकी से घिरा गोंडा पूर्वांचल का अहम ठिकाना है। तो गोंडा के लिए योगी के पास सौगात है और सियासी विरोधियों के लिए पलटवार। 2017 के बाद न प्रदेश में दंगा हुआ, न किसी किसान ने आत्महत्या किया और न ही कोई भूख से मौत हुई है। 14-15 साल ऐसे हो गए थे कि 14-15 वर्षों तक बिजली नहीं आई। अगर वे कभी यहाँ से बाहर जाते थे, उसे पूछते थे, भैया बिजली कैसे, वो कहते हाँ कभी कभी हम देखे। कहाँ कैसे? कहा था बरसात के समय आकाश में चमकती है। उन बेचारों को ये पता नहीं बिजली कैसे। सपा, बसपा, कांग्रेस के किसी नेता से पूछो कि कोरोना में कहाँ थे, ये सब घर में बैठे देखे। इनको फुर्सत नहीं थी अपने ही लोगों का हालचाल ले सके, इतनी भी फुर्सत नहीं थी। विकास के सपने कितने पूरे कितने अधूरे ये तो जनता बेहतर जानती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा पूर्वांचल के उस सीट समीकरण का बड़ा हिस्सा है जिसके सहारे बीजेपी यूपी में 2022 में भी फूल खिलाना चाहती है। इसीलिए सपने देखे जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं, पर सपने अपने हैं या पराए ये तो अभी कोई नहीं जानता। इसीलिए नए यूपी की तस्वीर दिखाते दिखाते योगी दंगों की याद दिलाना नहीं भूले। गोंडा में योगी आदित्यनाथ ने पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया और यूपी को दंगा मुक्त करवाने का दावा कर अपनी पीठ भी थपथपाई। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। यूपी के चुनाव में जिन्ना का नाम नया नहीं है और ना दंगे के आरोप नए हैं। हाँ, पहली बार सियासी वार पलटवार में एक नया शब्द आया, गिरगिट। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा। जैसे रंग लोग बदलते हैं, बार बार रंग बदलते हैं। सियासी बाजार में डर का बड़ा महत्व है, तो योगी आदित्यनाथ जनता को समाजवादियों का डर दिखाने में पीछे नहीं रहे। क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर के अराजकता फैलाएंगे,
गाड़ी कमाई पर डकैती दबाएंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं देंगे बल्कि स्वयं हड़प जाएंगे। चुनावी गीत में बीजेपी को बेशक ये भरोसा है कि 22 में बीजेपी की लहर है, बीजेपी 27 तक का सपना दिखा रही है। अब सपने खुली आंखों से देखे जा रहे हैं या बंद आंखों से, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल तो आरोप हैं, दावे हैं और वादे हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जौनपुर की सभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि समय उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि ना बबुआ चाहिए ना बुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ बाबा चाहिए। अतीत की तरफ झांक कर देखा, पिछले चुनाव में बड़ा बहुत बुआ बबुआ बुआ बबुआ आप लोग पीछे गड़बड़ सुना है। मैं भाई मैं किसी को बुआ बबुआ नहीं कहता हूं, जिंदगी मैंने कहा है तो हमें कहना चाहिए। भाई कोई अपना रिश्ता बुआ बबुआ करना, कोई अपना बुआ बबुआ का रिश्ता बनाकर रखना चाहता है रखे, लिए कोई आपत्ति। दुनिया में रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, बड़े से बिगड़े। लेकिन यदि इतने ही पक्की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं भाई जो उत्तर प्रदेश की जनता का जो मैं मूड देख रहा हूं उससे मुझे लगता है न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को बड़ा बल्लेबाज बताया और विरोधियों पर तंज कसा। साथ ही बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे लोगों को 2022 में पार्टी की जीत का भरोसा भी दिया। और कान में धीरे धीरे यह कह रहे थे उनको योगी जी के, योगी जी चिंता मत करो, थोड़ा अच्छा कैटिंग करके चले जाओ, आपको कोई रिटायर्ड हर्ट नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ना तो आप ही विकेट होगा। तो क्रिकेट की भाषा से उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश आप इसे एक तरीके से मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जुबान पर यह भी आपको समझना है कि सिर्फ सियासी विरोधियों के लिए आरोप नहीं है। अगले एक महीने में योगी सरकार कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने की तैयारी में। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बड़े कार्यक्रमों के जरिए इन नए प्रोजेक्ट से जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि विकास ही बीजेपी का एजेंडा है। और इसी सिलसिले में आपको बता देते हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। तो मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे 595 किलोमीटर की इसकी दूरी, इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसके उद्घाटन का प्लान है, क्योंकि विकास को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की सरकार की होगी। गोरखपुर में एम्स के उद्घाटन का प्लान है, कानपुर मेट्रो जिसके 8 स्टेशन तैयार है, ट्रायल रन जारी है, उसके भी उद्घाटन का प्लान है। तो ये वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका या तो शिलान्यास किया जाएगा या उद्घाटन किया जाएगा। और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास है, जबकि इसके विरोधियों का जो मकसद है वो ध्रुवीकरण, धार्मिक समीकरण, जातीय समीकरण है। बीजेपी नए प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ख्याल रख रही है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं, हरदोई में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ जनसभा की है। बीजेपी पर उन्होंने बंटवारे की पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। हरदोई में जनसभा का सियासी संदेश सिर्फ इतना भर नहीं था, और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में। महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी मूर्ति स्थापना के अवसर पर आज माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हरदोई में ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच पर मौजूद अखिलेश यादव का सियासी गणित कुछ ये है। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक महाराज सहिल्य अर्कवंशी
राजभर समाज से आते हैं, यानी हरदोई की सभा के पीछे वोटों का गणित बिल्कुल साफ है कि कौन कौन जाति कितनी आबादी है। यूपी में अखिलेश यादव की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। इस बार चुनाव में वो ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी को सेंधमारी से रोकना चाहते हैं, इसीलिए गैर यादव ओबीसी जातियों को एकजुट करने में लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, अपना कल कमेरावादी, आरएलडी के साथ अखिलेश की दोस्ती चाहे जितनी गहरी हो, लेकिन उसके पीछे का सियासी राज यही है। और इसीलिए हरदोई में अखिलेश ने समाजवादियों के लाल और राजभर के पीले रंग का गणित समझाने में देर नहीं की। और इस मैदान में लाल पीला ही दिखाई दे रहा है। ये दो दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो दो ही रंग एक साथ आए हैं, अभी तो दो ही रंग है, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। जातीय समीकरण से अलग अखिलेश ने कारोबार का मंत्र भी फूंका। चीनी पाउडर में लिपटे संडीला के लड्डुओं की मिठास मुंह में पानी भर देती है, पर सियासी सफर में इन लड्डुओं का जायका ही नहीं, इसे बनाने और बेचने वालों का बड़ा वोट बैंक भी है। इन्होंने जहाँ बड़े बड़े कारखाने, उद्योग, कारोबार रोक दिए, वहीं लड्डू का भी व्यापार खत्म कर दिया, ठप कर दिया। इसलिए समाजवादियों ने कई जगह पर नारा दिया है, और क्योंकि संडीला का लड्डू सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कहने चाहता हूं कि फिर लड्डू का व्यापार होगा और 22 में बदलाव होगा। लड्डुओं की मिठास के साथ साथ हरदोई में अखिलेश ने महंगाई पर भी संग्राम छेड़ा और अपनी सरकार के कामकाज की याद भी दिलाई। ये एम्बुलेंस जो मंगाते हैं आप लोग, बीमारी और तकलीफ में समाजवादियों की देन है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद था, सब तकलीफ और परेशानी में थे, अगर कोई गरीबों की मदद कर रही थी तो ये एम्बुलेंस आकर के मदद कर रही थी। पुलिस के लिए भी 100 नंबर समाजवादियों ने दिया, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 कर दिया। 100 नंबर था तो ठीक चल रही थी पुलिस, लेकिन जैसे ही 112 हुआ पुलिस भी बदल गई। कहलाबाद में 4 लोग एक परिवार के मार दिए गए, उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। राजनीति की जंग जारी है। अखिलेश का समाजवादी विजय रथ हरदोई से गुजर चुका है। अब जनता इस रथ के साथ है या नहीं, ये नतीजे बताएंगे, लेकिन अखिलेश अपना समीकरण साधने में जुटे हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।